एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। मतलब दोनों अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में चल रहे हैं और दो स्टेशन है ए और बी। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात था। अब ये देखिए, सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ था। देखिए इस सवाल पे आप एक चीज को जरूर गौर करेंगे, ये दोनों विपरीत दिशा में आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद का समय दिया जाता है। देखिए इस टाइप को ध्यान दें, फिर से बोलता हूं, दो ट्रेन या दो कुछ भी चीज एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती है और क्रॉस करने के बाद जब दोनों अपने अपने स्थान पर पहुंचती है, मतलब दूसरे के स्थान पर पहुंचती है, ए बी के स्थान पर पहुंचती है, बी ए के स्थान पर पहुंचती है, उसका समय दिया हुआ रहता है। तो हम सीधा सीधे एक फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला से 4-5 सवाल होते हैं, तो इसलिए हम याद कर लेंगे इसे। तो ये फॉर्मूला क्या है, S1/S2 मतलब speed 1/speed 2 बराबर होगा वर्गमूल या रूट ओवर T2/T1। देखेंगे यहां T2 समय दूसरा समय बटे पहला समय है। तो चलिए अभी अनुपात बोला हुआ है, तो पहले की गति, पहले रेलगाड़ी की गति बटे दूसरी रेलगाड़ी की गति बराबर क्या होगा, समय उल्टा हो जाएगा। दूसरे रेलगाड़ी को पहुंचने में लगा समय तो 9 घंटा है और पहले रेलगाड़ी को पहुंचने में समय तो वो 4 घंटा है और ऊपर रूट ओवर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 या आप बोलें तो इसे 3:2